हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था जाइलम टिश्यू के बारे में, मतलब हम कंडक्टिंग टिश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो जाइलम टिश्यू था उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे जाइलम टिश्यू जो है वो वाटर और मिनरल्स को मेनली ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक ट्रांसपोर्ट करता है? फ्रॉम रूट्स टू द स्टेम और लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। फिर हमने पढ़ा था कि चार टाइप्स होते हैं जाइलम के, तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। क्यों इम्पोर्टेंस है जाइलम टिश्यू की और फ्लोएम टिश्यू की? भाई देखो, जाइलम टिश्यू जो है वो फूड बनने में हेल्प करता है, फूड को प्रिपेयर होने में हेल्प करता है, और जो फ्लोएम टिश्यू है वो बना जो फूड लीफ में बना होता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है पूरे प्लांट बॉडी पार्ट्स में, मतलब जितना भी प्लांट के बॉडी पार्ट्स है सब में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वो पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करेगा, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट कहाँ जाएगा ट्रांसपोर्ट होकर, ये फूड जाएगा सेल तक, जो प्लांट की सेल्स होती हैं वहाँ तक जाएगा ये फूड। जब ये सेल्स में चला जाएगा, ये सेल्स के पास फूड क्यों जाता है? क्योंकि भाई फूड से हमें मिलती है एनर्जी, और वो एनर्जी कौन कंज्यूम करता है? सेल्स। सेल्स जब उसको कंज्यूम करती है तो वो क्या होता है, फिर सेल में डिविज़न होता है, जो कि क्या करता है, हेल्प करता है प्लांट में ग्रोथ में। ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में, मतलब प्लांट को बड़ा होने में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्लोएम टिश्यू। तो फ्लोएम क्या है? अनदर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू था हमारा जाइलम। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, इसको बोलते हैं बस्ट टिश्यू। ठीक, ये कंपोज्ड होता है फोर टाइप की सेल से। ऐसे ही जाइलम जो है चार टाइप की सेल से मिलके बना था, दैट इज ट्रैकेट्स, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ऐसे ही फ्लोएम है, वो भी चार टाइप की सेल से मिलके बना है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स। ठीक है, उसके बाद उधर जाइलम पेरेन्काइमा था, इधर हो जाएगा फ्लोएम में फ्लोएम पेरेन्काइमा। उधर जाइलम में था जाइलम फाइबर्स, इधर फ्लोएम में हो जाएगा फ्लोएम फाइबर्स। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला है हमारा सीव एलिमेंट्स, सीव ट्यूब्स बोलते हैं इनको। दीज आर कंपोज्ड ऑफ सीव सेल्स और सीव ट्यूब्स। किससे मिलके बनती है? सीव ट्यूब से मिलके बनती है। ट्यूब्स है तो उसका मतलब जैसे वेसल्स थी स्टार्टिंग में, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगी। ठीक है, सीव सेल्स आर फाउंड इन फर्न्स। कहाँ पे पाई जाती है? फर्न्स में पाई जाती है। ठीक है, दीज आर नैरो एंड इलोंगेटेड सेल विद परफोरेशंस, मतलब कुछ होल्स होते हैं बोल में और वहाँ पे पाई जाती है, इलोंगेटेड से सेल्स होती हैं। द मेन फंक्शन इज द कंडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड का मतलब होता है जो ग्लूकोज C6H12O6 जो फूड प्रिपेयर हुआ है प्लांट में, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है, उसको कंडक्ट करने का काम होता है। सीव ट्यूब्स आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। क्या होती हैं? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। सीव ट्यूब फॉर्म होती है फ्यूजन ऑफ मैनी सेल्स, जब बहुत सारी सेल्स क्या करती हैं, फ्यूज़ करती हैं। उसके बाद क्या होता है, ये फ्यूज़न मतलब कॉम्बिनेशन बोल सकते हो आप इसको, कंबाइन होने के बाद नई सेल्स का फॉर्मेशन। दे आर विदाउट न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी, और इनमें क्या प्रेजेंट नहीं होता? न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। जब वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाती हैं उसके बाद उनका न्यूक्लियस का क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है या फिर वो एंड अप हो जाता है। ठीक, दे आर वो एंड वॉल्स आर पोरस। पोरस लाइक स्ट्रक्चर होती है, क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। दे ऑल्सो परफॉर्म कंडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फूड, ये क्या काम करती है, ऑर्गेनिक फूड के कंडक्शन का काम करती है। नेक्स्ट है कंपेनियन सेल्स। दीज सेल्स आर फाउंड एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब्स, ये सीव ट्यूब्स के साथ अटैचमेंट में ही पाती हैं, और ये क्या होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं, और इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मतलब ये क्या करेगी, सीव ट्यूब्स को अपना न्यूक्लियस की हेल्प से फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करवाएगी। ठीक है, मतलब सीव ट्यूब्स क्या करेंगी, इनसे न्यूक्लियस शेयर करके अपना जो फंक्शन है वो प्रॉपरली परफॉर्म करेंगी। अगला है फ्लोएम पेरेन्काइमा। दीज आर पेरेन्काइमेटिस सेल्स प्रेजेंट इन फ्लोएम, ये पेरेन्काइमेटिस सेल्स होती हैं जो फ्लोएम में प्रेजेंट होती हैं। ठीक, दीज आर लिविंग सेल्स, कैसी सेल्स होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं। तो ये क्या करती हैं, एक मिनट, दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फूड स्टोरेज एंड लेटरल कंडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फूड, ये क्या काम करती हैं, फूड को स्टोर भी करती हैं और फूड को कंडक्ट करने में भी हेल्प करती हैं। मतलब दो काम करती हैं, फूड को कंडक्ट भी करेंगी साथ ही साथ उनको स्टोर भी करके रखेंगी कि फ्यूचर यूज़ के लिए क्या कर सके, उसको ट्रांसपोर्ट कर सके। अगला है फ्लोएम फाइबर्स। दीज आर स्क्लेरेन्काइमेटिस फाइबर्स। स्क्लेरेन्काइमेटिस फाइबर्स होंगे, इसका मतलब ये क्या है, ये
नॉन लिविंग होंगे, डेड सेल्स होंगी, ठीक। ये क्या करेंगे, सिर्फ हाईली थिक वॉल्स होती है, नॉन लिविंग वॉल्स होती हैं, और ये क्या प्रोवाइड कराते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं प्लांट को, ठीक। जैसे कि एग्जांपल हो गया हेम्प हो गया या जूट, ये सब इंपॉर्टेंट कमर्शियल फ्लोएम है। कमर्शियल का मतलब होता है कि हम उनको इंडस्ट्री लेवल पे या फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लेवल पे यूज़ करते हैं जिस चीज़ों को, ठीक है। अगला है, मेनी प्लांट्स ऑल्सो हैव सम सिक्रीटरी टिश्यूज़। कुछ प्लांट में कुछ सिक्रीटरी टिश्यूज़ भी प्रेजेंट होते हैं, स्पेशल टिश्यूज़ होते हैं जो कुछ स्पेशल मटीरियल सिक्रीट करते हैं। जैसे कि पीपल का पेड़ होता है, उसमें से मिल्क टाइप रेजिन सिक्रीट होता है। रबर प्लांट होगा, उसमें से लेटेक्स सिक्रीट होगा। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, क्या सिक्रीट करते हैं, वो लेटेक्स, गम या फिर रेजिन्स वगैरह मटीरियल क्या है वो सिक्रीट करते हैं। अगला है, लेटेक्स जो है वो रबर ट्री से एक्सट्रैक्ट होता है, उसकी लेटेक्स वेसल्स से, और वो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट मटीरियल होता है क्योंकि वो रबर के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें वेल ऑर्गेनाइज रीजंस होते हैं, ग्रोथ रीजंस होते हैं। जैसे कि रूट और शूट में मेरिस्टमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है, तो एनिमल्स में कुछ स्पेसिफाइड रीजंस होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। एनिमल्स में प्रॉपर डेवलपमेंट होता है, और जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनमें हर किसी में ही अलग अलग मतलब जो है डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है, ठीक है। प्लांट में रूट और शूट में स्पेशल जो है टिप्स पे जो एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होती है उसमें जो है डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है। फिगर देखते हैं, ये फ्लोएम टिश्यू की कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा, सीव ट्यूब्स और सीव प्लेट जो है दिखाई गई है। अगला देखते हैं, प्लांट टिश्यू में हमने क्या क्या पढ़ा था। प्लांट टिश्यू में हमने पढ़ा था कि मेरिस्टमेटिक टिश्यू होते हैं और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टमेटिक जो अनडिवाइडिंग सेल्स होती हैं, परमानेंट टिश्यू जो डिवाइड मतलब जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू होती हैं उनकी सेल्स जो होती हैं, जो मेरिस्टमेटिक टिश्यूज होते हैं वो डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, मतलब परमानेंटली डिवाइड करती हैं। डिवाइड होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाती हैं परमानेंट टिश्यूज में। परमानेंट टिश्यूज दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कंपाउंड परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा होते हैं, जो हमने पढ़े हैं पूरे चैप्टर में। उसके बाद कंपाउंड परमानेंट टिश्यू जाइलम और फ्लोएम, इनको कंडक्शन टिश्यू भी बोला जाता है, ठीक है।